ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज कि उस सप्लायर के डॉक्यूमेंट कैसे चेक करोगे. सो हमेशा याद रखना है कि आपको उस कंपनी का बिजनेस लाइसेंस चेक करना है. हर गवर्नमेंट का अपना एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जहाँ पे उनका लाइसेंस का नंबर डालोगे तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, क्या चीज़ें हैं सब. सेकेंड, यू हैव टू चेक अ सर्टिफिकेशन, जैसे होता है ना इंडिया में, जैसे ISO होता है 9001 होता है ना, तो ऐसे ISO वगैरह सर्टिफिकेशन देख लेना कि वो कहाँ कहाँ पे है. अगर वो बोलता है कि वी हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की यहाँ यहाँ पे, तो नंबर एक बार वेरीफाई कर लेना खुद के लेवल पे. नाउ द थर्ड इज कि वो कितना टैक्स देता होता है ना, हर कंट्री में VAT देना पड़ता है आपको, GST देना पड़ता है. तो इन सम वे यू हैव टू थिंक, GST मतलब सिंगापुर में भी जैसे GST चलता है, इंडिया के लिए नहीं एप्लीकेबल, सिंगापुर में भी 8% GST वगैरह लगता है. तो उस कंट्री में वो टैक्स देता है कि नहीं, उसका नंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा. ये होने के बाद फोर्थ नंबर, यू ऑलवेज हैव टू चेक दैट लोकल ऑडिट्स, जितने भी कंपनी के लोकल ऑडिट्स होते हैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा.